हेलो जी, राम राम। बच्चों की फरमाइश पर आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है। सबसे पहले तेल गरम करके जो बेसिक सामान होता है, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट, वो पहले से पीस कर रख लिया था। उसको ना तेल गरम तेल में डाल दिया, साथ ही पिसे हुए टमाटर की प्यूरी भी डाल दी और उसको ढक के अच्छे से पका लिया। जब तेल छोड़ने लगा तो ऐसा लगा कि तेल छूट रहा है, तो पहले से बेसिक मसाले होते जो हल्दी, लून, मिर्च, धनिया, वो सब डाल के छोड़ दिया। फिर कटा हुआ पनीर वो पके हुए मसाले में छोड़ दिया। मसाला एकदम पक के तैयार हो गया था और वो तेल को रिलीज करने लग गया था। जब मसाला का मसाला पक गया तो पनीर छोड़ दिया। जिस थाली के अंदर अपन ने पनीर डाला था उसी में ढक के थोड़ा सा गर्म पानी चढ़ा दिया और वो गर्म पानी स्वाद के अनुसार उसमें डाल दिया। एक तरफ पैन में घी गर्म किया और खड़े मसाले जो होते हैं वो फ्राई करके ऊपर से तड़का लगा दिया पनीर के अंदर। तड़का लगाने के बाद में पनीर की सब्ज़ी का आप कलर देखिए कितना अच्छा आया। और सबसे आखिर में 1 चम्मच, 1.5 चम्मच गरम मसाले की किंग किंग वाला किचन गरम मसाला डाल दिया। कटा हुआ हरे धनिया को डाल के सब्जी में मिला लिया। अब आप सब्जी की कलर देखिए और रंगत देखिए कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी है क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी ही पसंद आती है। आप देखिए कितना सुंदर कलर आया, कितनी अच्छी बनी है। खाने में लाजवाब टेस्टी पनीर की सब्जी।